कहते हैं माइक्रोडल इन्फ्रैक्शन डेथ ऑफ दी हार्ट मसल सेरेब्रल इन्फ्रैक्ट यानी डेथ ऑफ दी ब्रेन टिश्यू वैसे ही कहते हैं किडनी इन्फ्रैक्ट यानी डेथ ऑफ दी किडनी टिश्यू ये तीन ऐसे होते हैं वाइटल ऑर्गन्स तो अब अभी कभी कभी इंसान जब गिर जाता है तो खुदरत आपकी मदद करती है गिरा के क्यों आपका जो ब्लड प्रेशर है अगेंस्ट ग्रेविटी पंप होता है आपके जो है ब्लड प्रेशर 120 रहा तो आप अगेंस्ट ग्रेविटी पंप करके जो है इसको डाल रहे हैं आपके हेड को दे रहे हैं जैसा कि इसकी मिसाल है अगर आपके पास लाइट बंद हो जाए और आपका पानी की मोटर चल रही है तो वो बंद हो जाएगी ऊपर पानी नहीं जाएगा ग्राउंड लेवल पे खोलेंगे तो पानी आ जाएगा वैसी ही अगर आपका ब्लड प्रेशर गिर जाता है तो ब्लड इधर नहीं जाएगा सडन आपको बेहोशी तारी होगी आप गिर जाएंगे तो कुदरत आपको रिस्टोर करती है आपके वाइटल ऑर्गन को लिटा के हम अपने ना तजुर्बेकारी से हमारी जो है इलिटरेसी से आ, या कम इलमी से हम उसको उठा के बिठाते हैं जिससे डैमेज करते हैं तो हम करना क्या चाहिए वेरी गुड क्या करना चाहिए आप कह रहे हैं कि ये दोनों पैर ऊपर उठाने के लिए कह रहे हैं इससे क्या होगा इससे ये होगा कि जो ब्लड टू पॉइंट फाइव लीटर इनके लोअर पार्ट पे हैं वो वाइटल ऑर्गन्स में जाएगा और ये दो मिनट के अंदर उठ के बैठ जाएंगे एक छोटी सी टेक्निक मालूम होने से आप कभी भी कोई आदमी लेट जाता है गिर जो है बेहोश हो जाता है तो आप उनके पैर दोनों ऊपर उठाना चाहिए जो ढाई लीटर ब्लड आपके पैर में है वो सिर के तरफ जाएगा नॉन वाइटल ऑर्गन से वाइटल ऑर्गन को ब्लड जाएगा वो दो मिनट में उठ जाएगा इंसान और जब कोई बेहोश होता है तो ये हमारी जो टंग होती है जबान होती है वो पीछे जाके सांस की नाली को पैक कर देती है तो करना क्या चाहिए जब कोई लेट जाता है बेहोश होता है तो उसकी मुंडी जो है गर्दन जो है एक तरफ पे पलटाना चाहिए ताकि आपका एयर में रेस्टोर हो जाए तो ये इतनी छोटी टेक्निक है जब भी कोई आदमी ऐसा लेट जाता है बेहोश हो जाता है गिर जाता है उसको लिटा के एक तरफ उसका जो है चेहरा करके ये एयरवे को रिस्टोर करना होता है सेकंड होता है उसके जो पैर है उसको ऊपर उठाने से ढाई लीटर जो ब्लड है नॉन वाइटल ऑर्गन से वाइटल ऑर्गन पे आएगा और एकदम उठ जाएगा मैं आपको चंद मिसालें ऐसी दूंगा कि एक बार फ्लाइट में एक मेरे स्टूडेंट चल रहे थे जो मेरे से ट्रेनिंग लिए हुए थे और उसी फ्लाइट में एक एक बूढ़े आदमी गिर गए बेहोश होके तो फ्लाइट अटेंडेंट जो थी एयर होस्टर्स उसने ऐलान किया कि इज देयर एनी डॉक्टर इन द फ्लाइट हु कैन रिवाइव दिस पेशेंट तो देर वॉज नो डॉक्टर ये जो आदमी थे डॉक्टर नहीं थे मगर वो मेरा लेक्चर अटेंड किए हुए थे उन्होंने कहा कि इवन दो आई एम नॉट ए डॉक्टर आई कैन रिवाइव दिस पेशेंट उसने उसको अलाउड नहीं किया जब उनकी हालत बहुत खराब हो रही थी तब उन्होंने चीख के कहा स्टिल आई कैन डू इट देन उनको जो अलव किया उन्होंने उनकी, उनकी उनका जो फेस है एक तरफ टर्न किया वजह से एयरवे रिस्टोर हो गया और उनके दोनों पैर उठाए जिसमें ढाई लीटर ब्लड था वो उनके वाइटल ऑर्गन्स को गया दो मिनट में वो आके वो पैसेंजर के बाजू बैठ गए द होल फ्लाइट इट ए बिग हैंड क्लैप किए और उनके रिलेटिव्स जब एयरपोर्ट पे उतरे तो दिस जेंटलमैन मैन टोल्ड ये बोले उन्होंने कि वे मेरे जो ट्रेनर हैं डॉक्टर रफीक साहब हैं देन दे कॉल मी फ्रॉम द एयरपोर्ट और वो कहे कि भाई हम आप दो तीन सौ किलोमीटर ट्रेवल करके आएंगे आपको गार करेंगे आपको स्वीट्स देंगे मैं कहा वो हमारे दोस्त को दे दीजिए आप और मेरे को मिलने के बराबर है और ऐसे कई वाकियात हुए हैं ऐसे कई ऐसे इंस्टेंसेस है जहां पर कई लोगों की जान जो है बचाई गई है एक बार भयानक एक्सीडेंट हुआ रोड पे हम लोग जा रहे थे और वो लोग जो है खून में लुतपुत थे यानी देवर इन पूल ऑफ ब्लड अनकॉन्शियस कोई टेलीफोन कर रहा है इमरजेंसी को कोई डॉक्टर को बुला रहा है कोई और तिबी इमदाद के लिए कह रहा है और उसी टाइम पे हम वहां पर पहुंचे मैंने ये छोटी सी टेक्निक अपनाई उनका चेहरा एक तरफ किया और फिर पैर ऊपर उठाते वो दो मिनट में उठ के बैठ गए होल क्राउड गेव इट ए बिग हैंड बिग क्लैपिंग हैंड टू बी तो ये छोटी सी टेक्निक है जिसकी वजह से आप पब्लिक प्लेसेस पे रेलवे स्टेशन पे एयरपोर्ट पे बड़े क्राउडेड प्लेसेस पे स्कूल पे कॉलेज पे रोड साइड पे आप ये टेक्निक अपनाने से किसी की जान बचा सकते हैं मैं समझता हूं सामयीन आप आज जो ये ब्यूटिफुल ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं यू गॉट एनलाइटन बाई दिस स्मॉल टेक्निक और आप आज एक जान बचाने के काबिल हो सकते हैं और मैं ये चाहता हूं कि ये टेक्निक्स सारे लोगों को आम करें आपके दोस्त अहबाब में आपके रिश्तेदारों में आपके कलीग्स में और सो दैट यू कैन सेव हंड्रेड एंड हंड्रेड ऑफ प्रेशियस लाइफ विच आर लॉस ड्यू टू आवर इग्नोरेंस अवर इलिटरेसी थैंक यू फॉर गिविंग ए पेशेंट हियरिंग मैं चाहता हूं कि इसको आम करें आप थैंक यू